तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग खेल रहे फ्री फायर में रैंकेड गेम। तो आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब हैंगर पे उतर रहा हूँ। तो ये मेरा प्लान था पीक पे जाने का, पर मैं उतर रहा हूँ हैंगर पे। तो अभी इधर उतरे तो बहुत सारे बंदे लोग आप देख सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोने में उतरता हूँ जहाँ पर ब्लू जोन हो, पर उतर नहीं पाया मैं ब्लू जोन। मैं सोचा पहले ऊपर छत पे उतर जाता हूँ, लेकिन बाद में देखा तो दो लोग उधर उतर रहे थे, इसलिए मैं उतरा नहीं। उधर से मैं चुपचाप साइड में हो गया और फिर मैं उतरा अपना चुपचाप से इधर, और आके मैं लैंड किया तो छोटा लेवल में। तो उतरते ही मेरे को सबसे बेस्टेस्ट गन एवर मिल गई, जो थी थॉमसन, फरांग और वेस्ट लेवल 2। ये तीन चीज़ मिल गई मुझे। तो फिर मैं गया दूसरे घर में, तो उसमें मुझे मिला M4A1 विद ग्लू वॉल। गलती से मैं क्रोमा यूज़ हो गया था, तो P90 थी, पर P90 में था, मैंने SMG ले लिया। तो मैं गया ऊपर, तो क्रोमा के बिना आपको क्या लगता है मैं नहीं खेल पाता? अरे भाई, खेल पाता हूँ, क्रोमा के बिना भी मैं ओपी खेल लेता हूँ। हंसो मत यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे हंसते हो तो। ऐसे हंसो मत, ये क्या बात हो यार, हंसते हो ऐसा नहीं होता है। अभी मैं तो ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं ये घर में गया, ठीक है। मैंने ये M1887 क्योंकि मुझे पता है कि गन कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए। तो एक आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, AR गन के साथ आपको कोई भी शॉर्ट गन रखनी है, और आपको स्नाइपर के साथ कोई भी एक SMG रखनी है। तो बेस्ट SMG स्नाइपर के साथ है तीन, वह MP40, MP5 और थॉमसन। और शॉर्ट गन में M10, M1887 और हाँ MAC-7, ये तीन, और ये तीन बेस्टेस्ट गन शॉर्ट गन। और ये तो देखते हैं आगे का क्या होता है। तो इधर हम लोग आ गए हैं वेंडिंग मशीन के पास। अब देख ही सकते हैं ये वेंडिंग मशीन में से मैं क्या ले रहा हूँ, M82B ले रहा हूँ। तो जैसे मैंने M82B लिया, मैं वैसे फटाक से गया, और वो जो दूसरा घर था जिसमें मैंने M1887 उठाया था, मैं वो घर में जाने की जगह उसके आगे वाले घर में आ गया। मेरे को लगा इसने रखा रहेगा, मैं गया, मैं बोला और ये घर में को लगता कोई बंदा को उठा के ले गया। मैं फिर से भागा पीछे वाले घर में, गया स्पीड भाग के, क्रोनो वोनो नहीं लगाया, नॉर्मल अकेली थे, तो उसके वजह से स्पीड भागा। तो उसमें से थॉमसन मिला, तो उसमें से मैंने SGMA जितना भी था उतना फेंक दिया। तो आगे देख सको, तो आगे देखो गाइस, आप प्रेडिक्शन लगाओ। अभी अगर अभी वैसे कोई अगर बंदा मिलेगा, शायद मिलता है, तो मैं उसको मारूंगा कि मैं मरूंगा, प्रेडिक्शन लगाओ। मैं अभी कैसे मारूंगा वो भी आप ही प्रेडिक्शन लगाओ। तो मैं बता दूं कि नहीं बताऊं, मेरे को वो नहीं समझ रहा। तो रुको, देखता हूँ, बताता हूँ, नहीं नहीं बताता, आप खुद समझना, ठीक है। तो फिर मैं फटाक से भागा एक बंदा ढूंढने के लिए, तो मैं बंदा मेरे को मिला नहीं, तो मैंने AR फेंका और 4G फेंका। तो मैं गया आगे आगे, तो मैं गया हैंगर पे जहाँ पर मैं उतरने वाला था, मैं वो साइड गया। तो आगे का देखो हुआ क्या, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। उस सामने वाले के पास भी स्नाइपर था, मेरे पास भी स्नाइपर था, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया। गाइस, अगर आपको भी खेलना है मेरे साथ तो आ जाओ, मैं आपको दे दूंगा लिंक सब, मतलब लिंक बोल रहा हूँ सॉरी, मैं आपको दे दूंगा अपनी ID डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, देख लीजिए। उसमें आई थिंक मेरे हेड पेन रखा था, तो मैंने क्रोमे यूज़ किया फटाफट और उसको मार दिया। तो जैसे ही मैं उसके पास भागा, इतना तेज, मैं वही एक्सपेक्टेशन से भागा था कि मुझे मिल जाएगा, मुझे स्नाइपर एमो मिल ही जाएगा। तो इतना अच्छा हुआ कि मुझे स्नाइपर एमो मिल गया। तो गाइस, इसके बाद आप देखिए हुआ क्या, फिर मैंने गया और पहले मेडिकिट मारा झाड़ के बीच, फिर उसके बाद मैं लिया क्या बोलते वेस्ट लेवल 3 टूटा हुआ था, सॉरी। तो मैं बोला कि कहीं ना कहीं रिपेयर किट तो मिल ही जाएगा, तो ले लेते हैं।
तो गाइज अगर आप अभी तक देख रहे हैं मेरी वीडियो, इसका मतलब आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा ही कुछ पसंद आ रही है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, सॉरी ये वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आगे देखो होता क्या है गाइज, मतलब मैं हारा, लेकिन ऐसा नहीं कि अलाइव 2015 में हारा। मैं हारा तो भी अलाइव 5 में था, तभी जाके हारा। नहीं तो मैं बुरा होने वाला था, वो तो मेरा जोन से इतना कम हेल्थ था। मैं मेडिकेट मार रहा था तभी पीछे से आके किसी बंदे ने मेरे को मार के चले गया। तो अभी नहीं, वो तो बहुत टाइम है आपको, तो आप देख सकते हैं अभी एक एक मिनट बोल रहा हूँ मैं, मतलब बोल रहा था कि तो इसके बाद मैं आगे गया और यहाँ पर मैं टावर पर चढ़ा। टावर पर चढ़ने के बाद इन्हेलर उठाया, उधर कोई बंदा नहीं था, तो फिर मैं नीचे गया और एकदम स्ट्रेट गया। तो जब तक अभी ना मैं थोड़ा पार्ट कट कर दूंगा, जब तक कोई बंदा नहीं मिलता है, बंदा मिलेगा वैसे ही मैं वो पार्ट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इधर ही अब मैंने वो ड्रॉप में से आर्म उठा लिया था, तो इधर ऊपर देख सकते हैं बंदा मिला मुझे, उसने मुझे स्पॉट कर लिया, उसके पास भी था, तो ऊपर ड्रैग नहीं हुआ। तो मैं उसके ऊपर रश किया आराम से एकदम, और उसको पूरा मैंने फुल फिनिश कर दिया। उसके बाद उसमें से अच्छा खासा लूट किया मैंने, और फिर दूसरे में गया तो उसमें स्नाइपर एमो था 1.60 और 1.20 का, तो मैं कुछ लिया नहीं। तो फिर मैं गया, हाँ तो मेरे पास थी आपकी सबकी फेवरेट गन ओम, तो सोचा आप स्नाइपर एमो लेके रखता हूँ। तो एक SMG एमो मैंने फेंका, अरे सॉरी लैंडमाइन फेंका, बोले लैंडमाइन से क्या हुआ, तो एक SMG एमो फेंक के स्नाइपर का ले लिया एमो। तो फिर मैं गया दूसरे ऊपर, मतलब पीक पे गया, तो पीक पे भी मुझे मेरा जोन श्रिंक हो रहा था, उधर भी एक बंदा दिखा था मुझे, उसको भी मैंने ख़त्म किया था। उसने ओम से मुझे बहुत फटके दिया था, अगर ओम से फटके नहीं देता ना मुझे, तो मुझे मैं बुया हो जाता। तो अब देख सकते हैं आप कि मैंने ले लिया था, मतलब रिपेयर किट मैंने यूज़ किया था, तो अब आ गया था इधर जोन, ठीक है। अब पता नहीं मैं क्या कर रहा था, आ गया इधर जोन, हाँ फाइटिंग की वजह से मैं डर गया था, सॉरी। तो आ गया था इधर जोन, मैं गया आगे, मैं बोला ना उसने बहुत तगड़ा फटके दिया, तो आया और उसको 2 गोली कर था वो, तो मैं एकदम लिटरली बोली तो 11 HP पे बचा। मुझे ना गोली की आवाज़ आई, मेरे को लगा पीछे से, तो मैंने कवर कर लिया, फिर आजू बाजू देखा, उसके बाद मैंने देखा नहीं गोल और आके उन्होंने मुझे ख़त्म कर दिया। तो फिर एनिमी ने ख़त्म कर दिया, तो लेकिन हुआ एक अच्छी बात, मैं अलाइव 5 में था तो मैं +37 हुआ, उसके जैसे मैं +4 पे पहुँच गया, तो जल्दी मैं डायमंड 1 का भी आऊँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर।